हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का न्यूट्रल क्यों ग्राउंड किया जाता है। न्यूट्रल को अगर ग्राउंड न किया जाए तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगी, न्यूट्रल को ग्राउंड करने के क्या फायदे हैं और फ्लोटिंग न्यूट्रल क्या होता है। दोस्तों, ये क्वेश्चन लगभग हर इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर प्रॉपर जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों, पहली बात कि न्यूट्रल वायर आता कहाँ से है, इस टॉपिक के ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। न्यूट्रल वायर कहाँ से आता है फुल डिटेल में जानने के लिए आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। थोड़ा बहुत समझा देता हूँ न्यूट्रल के बारे में। दोस्तों, न्यूट्रल हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से बनता है। दोस्तों, आप लोगों ने पोल माउंटेड सबस्टेशन देखा ही होगा। ये जो ट्रांसफार्मर होते हैं इनमें नॉर्मली 11 केवी इनकमिंग होता है और आउटगोइंग 415 वोल्ट होता है। दोस्तों, ये ट्रांसफार्मर का सर्किट डायग्राम है। ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में 11 केवी एचटी लाइन आ रही है जो कि डेल्टा कनेक्टेड है, और ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग स्टार कनेक्टेड है जिसमें कि 415 वोल्ट मिल रहा है। ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में खाली आर वाई बी होते हैं, न्यूट्रल नहीं होता है। बट दोस्तों, सेकेंडरी वाइंडिंग में आर वाई बी प्लस न्यूट्रल होता है। तो दोस्तों, पहले हम लोग देख लेते हैं कि न्यूट्रल को अगर ग्राउंड न किया जाए तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है, और न्यूट्रल को ग्राउंड कर देने से ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो जाती है वो भी देखेंगे। न्यूट्रल को ग्राउंड न करने की वजह से जो प्रॉब्लम होती है उसमें से पहली प्रॉब्लम है फ्लोटिंग न्यूट्रल की कंडीशन क्रिएट होने लगती है। तो दोस्तों, फ्लोटिंग न्यूट्रल क्या होता है और न्यूट्रल फ्लोट क्यों करता है वो हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों, आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पर मैंने न्यूट्रल को ग्राउंड नहीं करके रखा है। दोस्तों, आर फेस को 10 घरों में कनेक्ट किया है, वाई फेस को भी 10 घरों में कनेक्ट किया है और बी फेस को भी 10 घरों में कनेक्ट किया है, और जो न्यूट्रल है वो सभी के घर में सेम कनेक्ट किया जाता है। कभी भी ट्रांसफार्मर का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे ही किया जाता है, मतलब बराबर बराबर घरों में फेस को कनेक्ट किया जाता है। 10 घरों में आर फेस, 10 घरों में वाई फेस और 10 घरों में बी फेस। ऐसा इसलिए किया जाता है कि ट्रांसफार्मर का लोड बैलेंस बना रहे। बट दोस्तों, प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। मतलब फेस को तो 10-10 घरों में डिवाइड कर दिया, बट दोस्तों हर घर का लोड अलग अलग होता है। जैसे कि किसी के घरों में खाली फैन और लाइट होगी, किसी के घरों में फैन लाइट एसी भी होगा, किसी के घर में फैन लाइट एसी प्लस फ्रिज भी होगा, किसी घर में वॉशिंग मशीन भी होगा। तो दोस्तों, सबके घरों का लोड अलग अलग होता है। तो दोस्तों, कंसिडर कर लेते हैं कि आर फेस के ऊपर 10 एम्पियर का लोड है, वाई फेस के ऊपर 25 एम्पियर का लोड है और बी फेस के ऊपर 17 एम्पियर का लोड है। मतलब तीनों फेज में अलग अलग करंट फ्लो हो रहा है। तो फेज में अनबैलेंस करंट फ्लो होने की वजह से हमारा न्यूट्रल अनबैलेंस हो जाएगा। करंट ऊपर नीचे होने की वजह से न्यूट्रल जीरो वोल्टेज पर नहीं रहेगा, न्यूट्रल में वोल्टेज आने लगेगा। दोस्तों, न्यूट्रल का वोल्टेज हमेशा जीरो होना चाहिए, बट लोड अनबैलेंस होने की वजह से न्यूट्रल में वोल्टेज आने लगेगा 10-20 वोल्ट। दोस्तों, ये जो 10-20 वोल्ट न्यूट्रल में आ रहा है इसको ही फ्लोटिंग न्यूट्रल बोला जाता है। आप लोगों ने गांव में ऐसा देखा ही होगा कि वोल्टेज बार बार कम ज़्यादा होते रहता है, ये फ्लोटिंग न्यूट्रल की वजह से ही होता है। तो दोस्तों, अगर न्यूट्रल को ग्राउंड कर दिया जाए तो फ्लोटिंग न्यूट्रल की कंडीशन को अवॉइड किया जा सकता है, वो देख लेते हैं कैसे। हमारा जो ग्राउंड होता है, मतलब हमारी जो धरती होती है उसका पोटेंशियल जीरो होता है। तो न्यूट्रल को अगर हम ग्राउंड कर देते हैं तो न्यूट्रल भी जीरो पोटेंशियल पर आ जाता है। तो न्यूट्रल को ग्राउंड कर देने से न्यूट्रल में वोल्टेज नहीं आ पाता है क्या, फ्लोटिंग न्यूट्रल की कंडीशन नहीं क्रिएट होती है क्या? तो दोस्तों, न्यूट्रल को ग्राउंड कर देने से अगर लोड अनबैलेंस भी हो तो न्यूट्रल में वोल्टेज आने का ट्राई करता है, बट न्यूट्रल ग्राउंड होने की वजह से न्यूट्रल में वोल्टेज नहीं आ पाता है। एक एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को समझाता हूँ कैसे। दोस्तों, समझ लीजिए कि एक रोड है जो कि स्लोप रोड है। तो मैंने उस स्लोप रोड के ऊपर एक कार को खड़ा कर दिया है और उसको बंद कर दिया है। इस स्लोप रोड होने की वजह से क्या होगा कि कार धीरे धीरे नीचे आने लगेगी। बट दोस्तों, यही अगर मैं कार को खड़ा करके हैंड ब्रेक लगा दूं तो कार नीचे नहीं आएगी, मतलब कार अपनी जगह पे खड़ी रहेगी, नीचे नहीं आएगी। बट अगर मैं कार के ब्रेक को निकाल देता हूँ तो कार धीरे धीरे नीचे आने लगेगी। सेम इसी प्रकार दोस्तों, न्यूट्रल को ग्राउंड करके न्यूट्रल को जीरो पोटेंशियल पर रोका जाता है और न्यूट्रल में कोई भी वोल्टेज नहीं आ पाता। दोस्तों, इस एग्जांपल के लिए एक लाइक तो दे ही देना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आप लोगों के लिए और वीडियो बनाऊं। तो दोस्तों, हम लोग ने फर्स्ट पॉइंट देखा कि न्यूट्रल को ग्राउंड न करने की वजह से फ्लोटिंग न्यूट्रल की कंडीशन क्रिएट होती है, और उसको ग्राउंड कर देने की वजह से कैसे अवॉइड किया जा सकता है फ्लोटिंग न्यूट्रल की कंडीशन। अब हम लोग देख लेते हैं कि सेकेंड प्रॉब्लम क्या होती है न्यूट्रल को न ग्राउंड करने की वजह से। सपोज दोस्तों, आर फेस, वाई फेस या तो बी फेस कहीं पे भी लाइटनिंग अगर पड़ती है तो, मतलब अगर किसी भी फेस के ऊपर बिजली गिरती है तो इस कंडीशन में क्या होगा। जैसा कि दोस्तों, न्यूट्रल को ग्राउंड नहीं किया गया है और हमारी जो बिजली है वो आर फेस के ऊपर अगर गिरती है तो
दोस्तों आर फेज के थ्रू बिजली का करंट सर्किट में एंटर होगा और उसको बाहर जाने के लिए कोई भी रास्ता नहीं मिलेगा, क्योंकि न्यूट्रल तो हमारा ग्राउंड किया नहीं है। तो क्या करेगा बिजली का करंट कि सारे सर्किट में फ्लो होगा, मीन्स आर वाई बी तीनों फेज में फ्लो होगा। तीनों फेज में फ्लो होने की वजह से वो तीनों सर्किट को डैमेज कर देगा और साथ में जितने भी लोड लगे हुए हैं तीनों फेज पे उनको भी जला देगा। बट अगर दोस्तों सेम इसी कंडीशन में न्यूट्रल को अगर ग्राउंड किया गया होता तो आर फेज से हमारा करंट एंटर होता और न्यूट्रल ग्राउंड होने की वजह से न्यूट्रल के थ्रू बाहर निकल जाता, क्योंकि लाइटनिंग के करंट को बाहर निकलने के लिए रास्ता मिल गया। तो इस कंडीशन में खाली आर फेज डैमेज होगा और बाकी के जो दो फेज हैं उनमें लाइटनिंग डैमेज नहीं करेगी। बट जहां पर न्यूट्रल को ग्राउंड नहीं किया गया है वहां पर सब फेज डैमेज हो जाएंगे। बट अगर न्यूट्रल को अगर ग्राउंड किया गया होगा तो खाली वही फेज डैमेज होगा। तो ये तो सेकंड पॉइंट था। अब हम लोग थर्ड पॉइंट देख लेते हैं कि न्यूट्रल को ग्राउंड न करने की वजह से क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है। दोस्तों हमारे घरों में नॉर्मली सिंगल फेज सप्लाई आती है और अगर हमारा इलेक्ट्रिक सप्लाई सिस्टम अच्छा होगा तो हमारे घरों में 230 वोल्ट से लेके 240 वोल्ट एसी वोल्ट आता है फेज एंड न्यूट्रल के बीच में। तो दोस्तों न्यूट्रल को ग्राउंड नहीं किया गया है, लोड अनबैलेंस होता है तो फ्लोटिंग न्यूट्रल की कंडीशन होती है। फ्लोटिंग न्यूट्रल में 20 से 30 ज़्यादा से ज़्यादा 40 वोल्ट आता है न्यूट्रल में। समझ लीजिए कि तीनों फेज में लोड बराबर है तब फेज और न्यूट्रल में 220 से लेके 240 वोल्ट के बीच में मिलेगा। दोस्तों न्यूट्रल तीनों फेज को मिला करके बनता है, किसी भी फेज और न्यूट्रल के बीच में 230 वोल्ट आता है, चाहे आर और न्यूट्रल के बीच में हम लोग चेक करें, वाई और न्यूट्रल के बीच में चेक करें, चाहे बी और न्यूट्रल के बीच में चेक करें, 230 वोल्ट के आसपास मिलेगा। बट दोस्तों अगर इन तीनों फेज में से कोई एक फेज फेल हो जाता है, मतलब आर वाई बी में से कोई एक फेज खराब हो जाता है, तो मान लेते हैं कि बी फेज हमारा खराब हो गया है और हमारा न्यूट्रल ग्राउंड नहीं है, तो बाकी के जो दो फेज हैं उनमें 415 वोल्ट आने लगेगा फेज एंड न्यूट्रल के बीच में, क्योंकि हमारा एक फेज आउट हो चुका है। एक फेज ना होने की वजह से न्यूट्रल क्रिएट नहीं होगा, जिसकी वजह से फेज एंड न्यूट्रल के बीच में लाइन टू लाइन वोल्टेज आने लगेगा, क्योंकि न्यूट्रल वायर अब न्यूट्रल नहीं रह जाएगा, अब वो फेज की तरह एक्ट करेगा। सो इसकी वजह से हमारे घरों में जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लगे हैं, लाइट, फैन, फ्रिज, एसी और टीवी, सब जल जाएंगे एंड खराब हो जाएंगे, क्योंकि जो सिंगल फेज के इक्विपमेंट होते हैं वो 200 वोल्ट से लेके 250 वोल्ट तक के लिए डिजाइन किए होते हैं, बट 415 वोल्ट आने की वजह से सारे इक्विपमेंट खराब हो जाएंगे। तो ऐसा ना हो उसके लिए न्यूट्रल को ग्राउंड किया जाता है कि अगर कोई एक फेज आउट भी हो जाए तो न्यूट्रल 0 वोल्ट पे ही बना रहना चाहिए। तो न्यूट्रल अगर ग्राउंडेड होगा तो न्यूट्रल का वोल्टेज हमेशा 0 रहेगा। इसके लिए दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का न्यूट्रल हमेशा ग्राउंड करके रखा जाता है। तो दोस्तों हम लोगों ने तीन रीजन देखे कि न्यूट्रल को क्यों ग्राउंड करना चाहिए। पहला है फ्लोटिंग न्यूट्रल की कंडीशन को अवॉइड करने के लिए, दूसरा है कि अगर बिजली गिरती है फेज के ऊपर तो वो न्यूट्रल के थ्रू बाहर निकल जाए, बाकी दूसरे फेज को डैमेज न करे, और तीसरा है कि अगर कोई फेज फेल हो जाता है तो हमारा न्यूट्रल फेज की तरह एक्ट न करे, न्यूट्रल की तरह ही एक्ट करे, इसके लिए हम लोग ग्राउंड करके रखते हैं न्यूट्रल को। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही देखेंगे। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे लाइक करके एंड कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।